हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको सब्जेक्ट हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अ से अनार। अ से अनार कैसे लिखते हैं? आधा गोल ऊपर, आधा गोल नीचे, यह बन गए तीन। और पीछे छोटी लाइन जोड़ना है और एक खड़ी लाइन जोड़ना है, यह बन गया अ से अनार। अ से अनार आप सभी लोग खाते होंगे, खाते हो ना? अ से अनार खाना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार आ से आम। अ बनाना है हमें अ से अनार, और उसे आ की मात्रा जोड़नी है, यह बन गया आ से आम। आम तो सभी लोग जानते ही है, आम क्या है? फलों का राजा। आम बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ अच्छा लगता है, खट्टा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार आगे हम सीखेंगे ई से इमली। इमली तो बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मियों के दिनों में सभी इसका आमरस करते हैं। ई से इमली। ई से इमली कैसे लिखते हैं? पहले सबसे छोटी सी लाइन खींचना है, फिर हाफ सर्कल बनाना है, पीछे भी हाफ सर्कल करना है, और इसे नीचे लाइन खींच कर लाना है, यह बन गई ई से इमली। ई से ईख। इमली के समान ही आपको ई से ईख लिखना है। ई से इमली बनाना सीखनी है। छोटी सी लाइन ऊपर, हाफ सर्कल पहले, हाफ सर्कल पीछे करना है, नीचे थोड़ी लाइन खींचनी है और रेखा देनी है। रेखा देने के बाद आपको हाफ सर्कल देना है, यह बन गया ई से ईख। ईख मीन्स गन्ना। गन्ना तो सभी खाते ही है, और गन्ने से क्या बनती है? शक्कर, जो कि मिठाई बनाते हैं हम, जिससे हम मिठाई बनाते हैं। उसी प्रकार आज हम सीखेंगे उसे उल्लू। उसे उल्लू मीन्स एक पक्षी का नाम है। यह पक्षी रात में जगता है और दिन भर सोता है, यह है उसे उल्लू। कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले रेखा खींचेंगे, ऊपर आधा गोल करेंगे, नीचे आधा गोल जोड़ेंगे, यह बन गया उसे उल्लू। उसी प्रकार आगे है उसे ऊल। ऊल मीन्स ऊन। ऊन लिखना है आपको उल्लू के समान, आधा गोल ऊपर, आधा गोल नीचे जोड़ना है, और फिर पीछे भी आधा गोल जोड़कर नीचे करना है और रेखा देनी है। इसे कहते हैं उसे ऊन। ऊन मीन्स ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं और ठंडी के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, उसे ऊल। ऊल मीन्स ऊन। आपको यह उसे उल्लू और उसे ऊन टू लाइन के नोटबुक में दो बार लिखना है और बोल बोल कर लिखना है, सभी अक्षर पढ़ना है, और मुझे वीडियो भी भेजना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको सब्जेक्ट हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अ से अनार। अ से अनार कैसे लिखते हैं? आधा गोल ऊपर, आधा गोल नीचे, यह बन गए तीन। और पीछे छोटी लाइन जोड़ना है और एक खड़ी लाइन जोड़ना है, यह बन गया अ से अनार। अ से अनार आप सभी लोग खाते होंगे, खाते हो ना? अ से अनार खाना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार आ से आम। अ बनाना है हमें अ से अनार, और उसे आ की मात्रा जोड़नी है, यह बन गया आ से आम। आम तो सभी लोग जानते ही है, आम क्या है? फलों का राजा। आम बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ अच्छा लगता है, खट्टा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार आगे हम सीखेंगे ई से इमली। इमली तो बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मियों के दिनों में सभी इसका आमरस करते हैं। ई से इमली। ई से इमली कैसे लिखते हैं? पहले सबसे छोटी सी लाइन खींचना है, फिर हाफ सर्कल बनाना है, पीछे भी हाफ सर्कल करना है, और इसे नीचे लाइन खींच कर लाना है, यह बन गई ई से इमली। ई से ईख। इमली के समान ही आपको ई से ईख लिखना है। ई से इमली बनाना सीखनी है। छोटी सी लाइन ऊपर, हाफ सर्कल पहले, हाफ सर्कल पीछे करना है, नीचे
चौड़ी लाइन खींचनी है और रेखा देनी है। रेखा देने के बाद आपको हाफ सर्कल देना है। यह बन गया ई से ईख। ईख मीन्स गन्ना। गन्ना तो सभी खाते ही हैं और गन्ने से क्या बनती है? शक्कर, जो कि मिठाई बनाते हैं हम, जिससे हम मिठाई बनाते हैं। उसी प्रकार आज हम सीखेंगे उसे उल्लू। उसे उल्लू मीन्स एक पक्षी का नाम है। यह पक्षी रात में जगता है और दिन भर सोता है। यह है उसे उल्लू। कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले रेखा खींचेंगे, ऊपर आधा गोल करेंगे, नीचे आधा गोल जोड़ेंगे। यह बन गया उसे उल्लू। उसी प्रकार आगे है उसे ऊल। ऊल मीन्स ऊन। ऊन लिखना है आपको उल्लू के समान। आधा गोल ऊपर, आधा गोल नीचे जोड़ना है और फिर पीछे भी आधा गोल जोड़कर नीचे करना है और रेखा देनी है। इसे कहते हैं उसे ऊन। ऊन मीन्स ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं और ठंडी के दिनों में स्वेटर पहनते हैं। उसे ऊल। ऊल मीन्स ऊन। आपको यह उसे उल्लू और उसे ऊन टू लाइन के नोटबुक में दो बार लिखना है और बोल बोल कर लिखना है। सभी अक्षर पढ़ना है और मुझे वीडियो भी भेजना है। थैंक यू।